महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में दिग्गज भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार 5 दिसंबर 2024 को शपथ ले ली। मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के कई दिग्गज नेता वहां मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस के साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। बता दें कि तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस के सामने कई चुनौतियां अब सामने आने वाली हैं। तो आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके किन किन मोर्चों पर जूझना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल अच्छा माना जाता है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को साल भर पानी मुहैया कराने के लिए जल युक्त शिविर योजना और मुंबई नागपुर को जोड़ने के लिए 55,000 करोड़ रुपए की एक्सप्रेस परियोजना शुरू की थी। मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी भी दी थी। अपने तीसरे कार्यकाल में भी उन्हें महाराष्ट्र में विकास कार्यों पर अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा। तो वहीं राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, राजकोषीय लगातार घट रहा है, तो वहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर ज्यादा है। बता दें कि राजस्व में भी कमी आई है। फडणवीस सरकार के लिए मराठा आरक्षण भी चुनौती हो सकता है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज चरांगे पाटिल लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव के दौरान उनसे वादा किया गया था कि मराठा आरक्षण लागू किया जाएगा। मनोज चरांगे पाटिल को विश्वास में लेने में एकनाथ शिंदे ने अहम भूमिका अदा की थी। आपको बताते चले कि मराठा आरक्षण लागू करने को लेकर राजनीतिक पेच कम नहीं है। इस मुद्दे को लेकर ओबीसी समुदाय में असंतोष है। उनका मानना है कि उनके आरक्षण का हिस्सा काटकर मराठों को दिया जा सकता है। ऐसे में उनके सामने दोनों समुदायों की मांगों के बीच संतुलन बिठाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। महायुति की जीत में लाड़की बहन योजना में अहम भूमिका अदा की थी। इस योजना में 21 से 65 साल की उम्र की उन महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं जिनकी पारिवारिक सालाना आय 2.5 लाख से कम है। इस योजना में मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। राज्य में एफडीआई बाहर गया है, किसानों की आय घटी है, राजस्व में कमी आई है, कर्जा बढ़कर 7.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इन कल्याणकारी स्कीमों की वजह से इस पर 90,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी आएगा और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस सरकार के सामने स्कीमों के खर्च और राज्यों की आय के बीच संतुलन बिठाना एक चुनौती होगा। महाराष्ट्र में प्याज, गन्ना, सोयाबीन, कपास और अंगूर महत्वपूर्ण फसलें हैं। किसानों में इन फसलों की सही कीमत ना मिलने से वजह से भी नाराजगी है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्याज निर्यात पर पाबंदी की वजह से काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। आपको बता दें कि प्याज की पैदावार वाले इलाकों में बीजेपी को 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बात करें सोयाबीन और कपास की, तो सोयाबीन और कपास किसानों ने उनकी फसलों के सही दाम ना मिलने का मुद्दा उठाया है। इसके अलावा सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का चुनावी वादा किया है। ऐसे में अब उनके सामने किसानों को खुश करने की बड़ी चुनौती होगी। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को हार का सामना करना पड़ा है और अब उनका सारा ध्यान बीएमसी चुनाव पर है। बीएमसी देश की सबसे धनी महानगर पालिका है और इसका बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। बता दें कि शिवसेना का लंबे समय से इस पर कब्जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के सामने उद्धव ठाकरे के गुट को हराना एक बड़ी चुनौती होगी। शिवसेना 2017 के महानगर पालिका चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, इसके बाद बीजेपी थी। इस चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना और अजीत पवार के साथ एक संतुलन बनाना पड़ेगा। सीएम ना बनाए जाने से शिवसेना में भी असंतोष नजर आ रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।